व्यवहारिक रूप से विद्युत शक्ति से यह पंखा चलता है, पीछे शक्ति है यह चलेगा। वैसी शक्ति से जो कार्य मानव को मिलता है वह करता चला जावे, वह शक्ति एक सी, जो जो कार्य जिसको दे रखा है वह करता चला जावे। अब तो हम अपने जीवन में नित प्रतिदिन इसको देखते हैं, रेफ्रिजरेटर उसी विद्युत शक्ति से ठंडा कर रहा है और हीटर उसी विद्युत शक्ति से गर्म कर रहा है। जो कार्य जिस प्रकार मिला है वह उसी प्रकार कर रहा है। इसी प्रकार है मानव, जो कार्य तेरे को दे रखा है, तेरा कर्तव्य कर्म, तेरे सगे संबंधी, तेरे मित्रगण इत्यादि, जो तुझे ये कार्य दे रखा है तो उसको कर, और क्या करता है ये तेरा विचार करने का विषय नहीं है। ऐसे ही जो आत्मा का वह शक्ति तेरे में प्रवेश की हुई है, तेरे लिए जो तेरा कर्तव्य कर्म है वह तू कर। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वह दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है ना किसी से हनन किया जाता है। आत्मज्ञानी जिसे ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा की गति, आत्मा का कार्य और वह विधि का विधान, वृष्टि दे और ये परिवर्तन और अपरिवर्तित आत्मा, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं, बस यही अज्ञानता है, देह को अपना आप मान लेना। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन संभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी संबुद्धि की दृष्टि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है, आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बनी रहती है, कोई भ्रांति नहीं होती। जो उपरोक्त ज्ञान भगवान ने वर्णन किया है, आत्मा अमर सत्ता है, शरीर नश्वर है, इसमें कोई उसे भ्रांति नहीं होती। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। ये साधक एकांत में बैठ करके नाम जाप करते हुए जब इसका चिंतन करता है, ये केवल सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं रह जाता। परमेश्वर एवं गुरुदेव कृपा से उसे अपनी ही आत्मा अपने शरीर से बाहर दिखाई देने लगती है, अपना ही रूप, सूक्ष्म रूप लेकर के एकांत में बैठा होवे,
नाम जाप में लीन होवे, भाव आत्मा को जानने का हो जावे। ये जाप गुरुदेव कृपा से, श्री राम कृपा से, साधक को जो ये ज्ञान सुना और पढ़ा होता है इससे अवगत करवा देते हैं, साक्षात उसे दिखा देते हैं। यह शरीर नश्वर होते हुए ही इस आत्मा को अगला सूक्ष्म शरीर कैसे मिल जाएगा, तब मानव निश्चिंत हो जाता है। अपने आप को दोनों अवस्थाओं में देख लेता है, तब वह नहीं व्याकुल होता, नहीं रोता। वह जानता है कि यह रूप बदलना है। अब वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादि काल से निरंतर चला आया है। यह सब अनुभूतियां होती हैं मानव को, एकांत में बैठ करके वह देख लेता है सब कुछ। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है, देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होता। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर इसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मश्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। नमक का जो एक नमक वह भी आता है जो पत्थर की तरह दिखाई पड़ता है, उस नमक को अगर पानी में डाल दिया जावे तो उसका वह अपना स्वरूप जो पत्थर की तरह दिख रहा है वह समाप्त हो जाएगा, परंतु सारा पानी नमक वाला हो जाएगा। क्या अब उस नमक का विनाश समझा जावे? उसका रूप बदल गया है, उस पत्थर के अकाल से अब वह पानी में उसका विलय हो चुका है, उसका मरण नहीं हुआ, स्वरूप बदला है। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका मरण हनन नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वेश